implementation is perhaps even more important. Thank you. Sushri Indubala Goswami. Dhanyavad sir. Mohode, Wildlife Protection Amendment Bill 2022 jaise महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। मानव, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का जीवन एक प्रतिरक्षण चक्र है। पृथ्वी पेड़ पौधों का पोषण करती है और पेड़ पौधे कीटों, पक्षियों और जंगली जानवरों का पोषण करते हैं। दूसरी ओर मृत पशु गिद्ध का शिकार बनते हैं और गिद्ध जब मृत्यु प्राप्त होकर पृथ्वी में समाता है तो कीटों का भोजन बनता है। मृत कीड़े मकोड़े पौधों की खाद बनते हैं और जब पौधे आयु प्राप्त कर लेते हैं तो मनुष्य के जीवन यापन का साधन बनते हैं। मनुष्य पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से अपने जीवन चक्र को चलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जीवन का प्रतिरक्षण चक्र हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए जल, जंगल और जानवर की रक्षा सुरक्षा करना मानव का मुख्य दायित्व है। पर्यावरण में वनस्पति जीव जंतुओं के विलुप्त होने का सीधा सीधा प्रभाव मानव जीवन के अस्तित्व को प्रभावित करता है, क्योंकि मानव जीवन व उस जीवन से जुड़ी हुई सुख सुविधा और समृद्धि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से ही प्राप्त होती है। महोदय, मानवीय गतिविधियों की वजह से मानव द्वारा अपने लाभ व सुख सुविधाओं के लिए जीव जंतुओं व वनस्पति का इतना दोहन शुरू हुआ है कि आज इनकी कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं या विलुप्त हो चुकी हैं। मानवीय सुख सुविधा की पूर्ति से पर्यावरण बहुत प्रभावित हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, जंगल खत्म हो रहे हैं, चारागाह खत्म हो रहे हैं, फ्लोरा और फौना की बहुत सारी प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए भोजन, ऊर्जा, दवाई, तेल, ईंधन के लिए इनका सिर्फ लगातार प्रयोग ही नहीं कर रहा है, बल्कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इनका अवैध व्यापार व तस्करी भी कर रहा है। IUCN की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में 1,42,570 से ज़्यादा प्रजातियां दर्ज हैं। इनमें विलुप्त होने की खतरे वाली 41,000 प्रजातियां दर्ज हैं, जिन्हें बचाया जाना विश्व समुदाय का की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस संदर्भ में भारत का हिम तेंदुआ, हिमालयन मुलाल, तीतर, सारस, एशियाटिक लॉयन, कृष्ण मृग एवं नीलगिरी तहर जैसी प्रजातियों पर प्रश्न है। मेरे प्रदेश में 1990 में गिद्धों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। जांच करने पर पता चला कि डिप्लोफेनिक दवाई बनाने के लिए गिद्धों को मारा जा रहा है। गिद्धों के संरक्षण के लिए डिप्लोफेनिक बीमारी पर दवाई पर बैन लगाया गया और वन विभाग के निरंतर प्रयास से आज प्रदेश में गिद्धों की संख्या में वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बनकर तैयार हो रहा है। इस पार्क के क्रियाशील होने से विलुप्त हो रही जड़ी बूटियों की पहचान आसान होगी, खासकर हिमालय की विलुप्त हो रही जड़ी बूटियां, उनको संरक्षण प्राप्त होगा, क्योंकि मैं जिस प्रदेश से आती हूं वो हिमालयन रेंज में आता है। विलुप्त होती जड़ी बूटियों में छतरी, सर्पगंधा, बरबरी, चेहरा, पठानबेल, भूत केसी, संसरपाली, रतनजोत जैसी हजारों जड़ी बूटियां हैं जिनका यूज स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है, जिनसे स्वास्थ्य से संबंधित हजारों दवाइयां बनती हैं, लेकिन अवैध व्यापार के कारण आज ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। महोदय, चूंकि मैं उस राज्य से आती हूँ जो प्रकृति को संरक्षित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हिमाचल प्रदेश का 68% भाग जो है वन क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 32 वन्य जीव अभयारण्य हैं।
इसलिए इस बिल के महत्व को मैं समझती हूँ। महोदय, वनों व जीव जंतुओं के संरक्षण की अवधारणा हमेशा से हमारी प्राचीन संस्कृति और विरासत का हिस्सा रही है। हमारे वेदों में वनों को तीन श्रेणियों में बांटा गया था। महावन, जो महान वन आरक्षित था, और आज हमारे देश में ऐसे 100 से अधिक भंडार हैं। दूसरी श्रेणी श्रीवन की आती है, जो मानव और पशुओं की आजीविका के लिए आवश्यक वनोपज का साधन था। आज हमारा देश लकड़ी, चंदन, प्लाईवुड, केंदु के पत्ते, बांस, साल के बीज, शहद और औषधीय पौधे, रबड़, काजू और मसालों जैसे वन उत्पादनों की एक बहुत बड़ी रेंज यहीं से प्राप्त कर रहा है। महोदय, प्राचीन काल में तीसरी श्रेणी तपोवन थी, जहां ऋषियों का स्थान होता था। किसी भी जानवर या पेड़ को नुकसान करना यहां जो है अपराध समझा जाता था। आज ये हमारे प्राकृतिक अभयारण्य है, जो पर्यावरणीय विरासत हमें पिछली हजारों पीढ़ियों ने दी है। क्या उसे आने वाले पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना, उसको सहज कर रखना, क्या हमारा दायित्व नहीं है? महोदय, ऐसे समय में जब मानवीय लोभ व गलतियों के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जंगल खत्म हो रहे हैं, वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं, मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में अपने गौरवशाली अतीत और संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने भारत को एक जिम्मेदार और जलवायु अनुकूल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया है। ये विधेयक उसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में हमारी सरकार वन्य जीव संरक्षण के प्रति प्रयासरत है, जिसके तहत प्रोजेक्ट एलिफेंट गिद्ध संरक्षण कार्य योजना, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना, प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ, इंडियन राइनो विजन जैसे कार्यक्रमों में कम से कम 22 वन्य जीवों के संरक्षण को इसमें शामिल किया गया है। बीते वर्षों में शेरों, बाघों, हाथियों, एक सिंह के गैंडों और तेंदुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। सात दशक के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार अपने जन्म दिवस पर एक साथ 8 चीते, जो कि भारत से विलुप्त हो गए थे, देश को उपहार स्वरूप देकर पर्यावरण और वन्य जीवन संरक्षण के प्रति देश की जनता से अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। क्योंकि वन्य जीव की रक्षा के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि ये मानव जीवन से जुड़े हैं, उनकी सुख सुविधाओं से जुड़े हैं, इसलिए इनके लिए सख्त नियम और विनियम बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए समय के साथ 1972 के कानून में संशोधन करने की आवश्यकता थी। ताजा संशोधन वन्य जीव संरक्षण 1972 की प्रस्तावना में बदलाव करता है, क्योंकि इसकी प्रस्तावना में वन्य जीव के संरक्षण की ही मूल अवधारणा थी, मूल भावना थी, लेकिन अब नए विधेयक में वन्य जीवन संरक्षण के साथ जीवों की सुरक्षा और प्रबंधन को भी शामिल किया गया है, तथा इस विधेयक से पशुओं और विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा करने, उनके उत्पादन के व्यापार के रेगुलेशन हेतु प्रभावशाली कार्य ढांचा तैयार करने की मंशा है। यह विधेयक न केवल साइटिस के प्रावधानों को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करता है, बल्कि देश में वन्य जीव संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन के सभी पहलुओं को भी इसमें शामिल करता है। प्रस्तावित विधेयक के तहत आक्रामक प्रजातियां, जो कि भारत की नहीं थी, जिनके फैलाव से भारत का वन्य जीवन में को खतरा हो रहा था, अर्थव्यवस्था को भी हानि पहुंच रही है, वातावरण को नुकसान हो रहा है, ऐसी प्रजातियों के आयात व व्यापार, उनको
सुरक्षित रखने या संख्या बढ़ाने से संबंधित केंद्र द्वारा निर्णय लेने के अधिकार से निश्चित रूप से इन्हें प्रतिबंधित किया जा सकेगा। विधेयक में दिए गए नियमों उपनियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि को बढ़ाया गया है, जिससे निश्चित रूप से ऐसी जो अवैध व्यापार होता है, तस्करी होता है, उसमें रोक लगेगी। महोदय, इन बिंदुओं को रखने के बाद मैं विधेयक के निष्कर्ष पर पहुंचती हूं। विधेयक की समग्र भावना और दिशा ऐसी है जिससे भारत का कोई भी शुभचिंतक इसका विरोध नहीं कर सकता है। आज पर्यावरण की रक्षा की लड़ाई में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और इस विधेयक के अधिनियमन से हमारे ग्रह अर्थात पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को बचाने की लड़ाई में हम सबसे आगे रहेंगे। मैं इस विधेयक को पेश करने के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं, जो न केवल साइटिस के प्रावधानों को पूरा करता है बल्कि हमारे देश में वन्य जीव के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन के सभी पहलुओं को शामिल करता है। धन्यवाद। सुश्री सुष्मिता देव।